देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवा खेल परिवहन मंत्री अशोक चंदना ने बूंदी में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। खेल संकुल में यह आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर प्रशासनिक अमले सहित पुलिस के आला अधिकारी व समाज सेवी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां और व्यायाम प्रदर्शन कर दर्शकों को अभिभूत कर दिया। वहीं जिले की 34 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बूंदी जिले में हर्षोल्लास के साथ गरिमामय स्वरूप में मनाया गया। इस अवसर पर विधिक कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला स्तरीय मुख्यालय समारोह के मुख्य अतिथि युवा मामले एवं खेल, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, वहीं परिवहन एवं सैनिक कल्याण विभाग राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ध्वजारोहण कर परेड निरीक्षण, वहीं मार्च पास्ट की सलामी ली। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने महामहिम राज्यपाल का संदेश जनता को सुनाया। वहीं समारोह में उत्कृष्ट कार्य एवं सेवाओं के लिए जिले की 34 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एक विचार कई बार मेरे मन में आता है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता कोई कागज के टुकड़े पर लिखी हुई अथॉरिटी नहीं, स्वतंत्रता किसी जमीन के टुकड़े पर रहने के लिए पूरी आजादी नहीं, ये स्वतंत्रता एक मानसिक स्थिति है जो हमें आज़ादी देती है सोचने की, बोलने की, समझने की और साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनाने कि जिस प्रकार हम अपनी स्वतंत्रता के अधिकार को चाहते हैं उसी प्रकार और लोगों की स्वतंत्रता के अधिकार का मान सम्मान करना वो भी हमारा कर्तव्य और दायित्व हो जाता है। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ बाकी देशवासियों की, देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, देश के अंदर केवल मनुष्य नहीं, देश के अंदर जीव जंतु, देश के अंदर पक्षी भी हैं, देश के अंदर पशु भी हैं, देश के अंदर पेड़ भी हैं, झरने हैं, कुदरत है, सरकारें हैं, देश के नागरिक, सभी को मान सम्मान की नज़र से देखा जाए, बराबर की नज़र से देखा जाए तभी सही मायने में स्वतंत्रता का प्रयत्न निकल पाएगा। हमारे लिए गौरव का दिन, आज का दिन हमारे लिए एक दूसरे में विश्वास करने का दिन, दिन हमारे लिए सौगंध देने का दिन कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जब भी देश को, प्रदेश को हमारी ज़रूरत, हम हर स्थिति परिस्थिति में अपने देश के साथ खड़े रहें, अड़िग रहें। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।